सब्सक्राइब करिए डिजिटल चर्चा चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका हमारे चैनल डिजिटल चर्चा पर। दोस्तों बात कर लेते हैं आज की टेक न्यूज की। तो सुबह सुबह मैं आपके लिए टेक न्यूज लेकर के आ रहा हूँ और क्या है आज के अपडेट्स वो हम देखते हैं इस टेक न्यूज के एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को दबा दें। दोस्तों मोटो जी 5 तो आप सबने यूज़ कर लिया होगा और मोटो जी 5 प्लस भी यूज़ कर लिया होगा, पर इसका एक एडिशनल अपडेट आया है जो कि आज इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दिन में 12 बजे से इसका लॉन्चिंग इवेंट होगा जो कि आप लाइव देख सकते हैं। तो मोटो जी 5S प्लस जो है वो आज इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम होगी और अमेजन से आप इसको खरीद सकते हैं। मोटो जी 5 प्लस एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, अमेजन पर एक्सक्लूसिवली मिलेगा। हालांकि ये ग्लोबली लॉन्च हो गया है पर अमेजन से अब आप इसको इंडिया के अंदर खरीद सकते हैं। ग्लोबली इसका प्राइस रखा गया है 22,000 और 18,900 रुपये। इसके अंदर आपको फीचर मिल जाएंगे, आपको 5.5 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जो कि फुल HD स्क्रीन होगी। साथ में आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर। आपको इसमें मिल जाएंगे दो वेरियंट, एक 3GB रैम 32GB इंटरनल के साथ में, दूसरा आपको मिल जाएगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। इसके अलावा हर बार की तरह मोटो ने अपना सिग्नेचर जो है वो कैरी ऑन करा है और आपको इसमें एडिशनल मेमोरी कार्ड मिल जाएगा और 2 SIM का स्लॉट मिलेगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की जो कि है वोडाफोन की तरफ से। तो वोडाफोन जो है उसने ये कहा है कि आप वोडाफोन के अगर आप प्रीपेड यूज़र हैं और आप माई वोडाफोन ऐप से रिचार्ज करते हैं तो आपको जो है फुल कैशबैक मिलेगा। अगर आप 110 रुपये का रिचार्ज करेंगे माई वोडाफोन ऐप के साथ में तो आपको 110 रुपये जो है फ्री कैशबैक मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपके वोडाफोन वॉलेट में आ जाएगा और बाकी रिचार्जेस पे आपको वोडाफोन देगा 5% का कैशबैक। हालांकि अभी वोडाफोन ने कहा है कि आपको ऐप डालनी होगी, उससे रिचार्ज करना होगा और फिलहाल ये ऑफ़र जो है ये ईस्ट UP के अंदर ही अवेलेबल है। अब देखते हैं पूरे इंडिया में ये कब आता है ऑफ़र। इसका अनाउंसमेंट करा है निपुण शर्मा ने जो कि वोडाफोन के बिजनेस हेड हैं UP ईस्ट के। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं अगर आप माई वोडाफोन ऐप जो है इंडिया वाली ये यूज़ करते हैं तो वोडाफोन को इससे क्या फ़ायदा होगा। जो मुझे लगता है वो ये है कि वोडाफोन अगर आप यहाँ परमिशन देखते हैं तो आपसे बहुत सारी परमिशन ले लेता है आपके डिवाइस से, जिससे वो आपका पैटर्न, अपने यूजर्स का पैटर्न जो है वो नोट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपके डिवाइस की ऐप हिस्ट्री, डिवाइस एंड ऐप की हिस्ट्री ले लेता है, आपकी आइडेंटिटी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे कॉन्टैक्ट वो ले सकता है, आपकी लोकेशन ले सकता है, आपके SMS की डिटेल, आपके फ़ोन की डिटेल, आपके फ़ोटो, मीडिया और फाइल्स की डिटेल, स्टोरेज, वाईफाई कनेक्शन, डिवाइस ID और बाकी सारे जो छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है वो वोडाफोन ले लेगा। इससे मुझे लगता है कि इन लोगों को एनालाइज करने में हेल्प होगी कि किस तरह के इनके कस्टमर हैं और क्या उनका बिहेवियर है। इंडिया में लॉन्च होने वाला है LG का Q6 और Q6 प्लस। दोनों के दोनों फ़ोन जो है वो डिज़ाइन में लगभग सेम होंगे बट दोनों के अंदर डिफरेंस सेम रहेगा। आपको LG Q6 में मिल जाएगा वो मिलेगा 3GB रैम और 32GB इंटरनल और Q6 प्लस के अंदर आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। आपको LG Q6 के अंदर मिल जाती है 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले। आपको एंड्रॉइड 7.1.1 नॉगट के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा ये फ़ोन। साथ में आपको इस पर मिलता है 13 MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा। स्नैपड्रैगन का 435 का प्रोसेसर है इसमें। आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी और बाकी जो बेसिक सेंसर्स वगैरह हैं वो आपको इस फोन में मिल जाएंगे। आईबॉल ने अपना लैपटॉप जो है वो लॉन्च कर दिया। आईबॉल के लैपटॉप का नाम है कॉम्पैक्ट बुक एयर 3 जो कि 360° रोटेटेबल डिस्प्ले के साथ में आता है। ये अपने आप में पहला इस टाइप का लैपटॉप है जो कि आपको मिलेगा आईबॉल की तरफ से। ये दिया गया है आपको 30,000 और 35,000 रुपये के प्राइस पे। इसमें आपको मिल जाता है 13 इंच का फुल HD डिस्प्ले। साथ में आपको इस लैपटॉप में इंटेल पेंटियम N4200 प्रोसेसर मिलेगा जो कि क्लॉक्ड होगा 2.5 GHz पे। आपको 4GB की रैम मिलती है। इसके अंदर आपको मिल जाएगी 64GB की बिल्ट इन स्टोरेज और साथ में आपको मिलेगी एक्सपेंडेबल स्टोरेज 128GB तक की। जिन लोगों का लैपटॉप रिमोटली यूज़ करने का काम है उन लोगों के लिए शायद ये ठीक ठाक प्रूव हो सकता है। बाकी परफॉर्मेंस क्या है वो तो एक बार लैपटॉप आने के बाद ही पता चलेगा। हाल ही में वायरल हुई ऐप सराहा की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई और वो न्यूज़ ये है कि सराहा आपके कॉन्टैक्ट्स को जो है वो अपलोड कर रहा है। वो क्या यूज़ करेगा उसका पता नहीं पर ये एक तरह से आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ब्रीच है। जैन अल अबीदीन ने ये कहा है कि सराहा जो वो अपलोड कर रहा है कॉन्टैक्ट वो एक प्लान तरीका है सराहा का, बिकॉज वो आपको फाइंड योर फ्रेंड का फीचर देता है। तो उसमें आप जब वो कॉन्टैक्ट अपलोड कर लेंगे और अपनी एक डायरेक्टरी बना देंगे तो आप ये पता कर पाएंगे कि आपके किस फ्रेंड ने आपको मैसेज करा था सराहा का और ये शायद इनका एक पेड फीचर हो सकता है। और जो भी है ओवरऑल आपके कॉन्टैक्ट्स अपलोड हो रहे हैं और ये आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को जो है ब्रेक करता है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको सराहा रखना है या नहीं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।